المدى القريب إلى تقوية مكاتب وتحول العالم ولا سيما دول مجموعة العشرين ودول الخليج العربي، إضافة إلى سعيها إلى إنشاء مركز الموسيات للتحكيم الدولي والموسيات تنشط وفعاليات كثيرة أذكر منها معرض موسيات إكسبو ومنتدى الأعمال الدولي IBF. Ich tu mir sma und du kadar böyle Türkiye'de ben yurt dışında iş olarak işletmeyi çabalayan iş adamlarının rahberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Yakın ve vadede Musiyet Derneği başta Jeyl ve ülkeleri ve Kufes ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizane millete İslamiye ab tamam ümmeti ko bu fesel ki tarafsız selam arde. घर में बड़ी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहरल कैफ, अभी ये 160 सेकंड की एक क्लिप रखा मैंने आप लोगों के लिए, जो डायरेक्ट मेरे को वहाँ से मजलिसुल वज़ारा से आई है। मजलिसुल वज़ारा बोले तो एक गसर रहता जहाँ पे पूरे शेख प्रिंसेस जो बाहर से जो आते हैं उन सारे बैठे थे। उस मुद्दे पे बात हुई बादुल फतूर के, तकरीबन कुवैत के रात के 10:35 को ख़त्म हुई मीटिंग, वो जहाँ पे इफ्तार के बाद हर चीज़ का बंदोबस्त था वो लोगों को, क्योंकि तुर्की से, ईरान से, मिस्र से, हर जगह से जो जो सपोर्ट कर रहे थे तुर्की की, कुवैत, ईरान, कोरिया, मिस्र, आज फाइनल बातचीत हुई, लिखित पढ़त में बातचीत हुई। बाज़ाब्ता तौर से सबसे पहले तो मुबारकबाद आप लोगों को यह बात की दे दूं, मस्जिद अक्सा में दोबारा मस्जिद नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला, और जो हरामी जो गोली चलाए थे, जो फायरिंग करे थे, उसमें से तकरीबन 27 लोगों को जेश के वो लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात ये बता दूं। और इसराइल का ये कहना है, हम कभी नहीं बोले थे कि मस्जिद अक्सा पे दोबारा कब्जा करो या वहाँ पे फायरिंग करो। खैर, ये लोग झूठे होते हैं, ये होते हैं हरामी नस्ल के खबीस के बच्चे, खंजीर की औलादें, नस्ल हराम, ये झूठे होते हैं, इनकी कोई बात का हमको भरोसा नहीं है। लेकिन आज जो लिखा गया लिखत पढ़त पे काम हुआ, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी, कार्रवाई क्या उसके ऊपर बमबारी होने वाली थी। और कुवैत से तो पहले ही ईरान का, इसका सॉरी इसराइल का सिपारा नहीं है कुवैत में जहाँ पे था, तीन मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर साइन भी कर दिया और अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किए, जिसमें से बहरेन, कतर, अम्मान, मुंह काला हो गया इसराइल का, जो पांव पसारने की कोशिश कर रहा था वो ख़त्म हो गया। अभी सऊदी अरबिया बाकी है, दुबई बाकी है, ये लोग नहीं करे अभी ना, तो जो है सो ये मीटिंग में आए वो लोग, ये इस्तेमाल में भी नहीं आए, लेकिन इनको भी खुले तौर पर वान कर दिया गया और कह दिया गया है कि अगर से तुम लोग मुसलमानों का खून बहता हुआ अगर से देखने की ख्वाहिश है अगर से, तो आज भारत के मुसलमानों का, फलस्तीन के मुसलमानों का, सीरिया के मुसलमानों का बहरा कल तुम्हारा बहेगा, और जब तुम्हारा बहेगा तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, ये खुले अल्फाजों में कह दिया गया है। बहरहाल ये खबीस के बच्चों ने साइन करके एक पूरे तरीके से लिखत पढ़त करके दे दिए, जो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ 60 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास लोग होते हैं कि भाई ये लोग कार्रवाई नहीं करते, ये लोग बस बात करते हैं। अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं काम जैसा, मिसाल के तौर पे इनकी कंट्री पे हो रहा समझो, इनकी शाप के ऊपर हो रहा समझो, वैसा काम कर रहे हैं। और कैसा करो बोल रहे, तुम्हारे घर पे आके खटका मार के तुम्हारे को ले जाके साथ में बता के करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई गोदी मीडिया के पास ये वीडियो नहीं आ सकती। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी में औकात नहीं है किसी की कि ये चीज़ निकाल सके और बता सके। ये डायरेक्ट मजलिसुल वज़ारा से, जो अबू खालिद जो मेरे साथ लाइव आए थे परसों, आज से 5-6 दिन पहले वो वहाँ पे पहुँचे, अब उनके लिबास में उनको तो आप लोग ने देखे, जो मजलिसुल वज़ारा के जो शेख नासर सभा है उनके बाजू बैठे हुए थे, जब पढ़ के सुनाया जा रहा था जो जो कवानीन लागू हुए वो सारे चीज़ों पे उन्होंने वीडियो लेकर, उनके पीए ने
लेकर सारा मेरे को सारे डिटेल, यहाँ तक के फोटोज भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं बहुत सारे, जो मैं एक एक करके बताऊंगा। ये सबसे पहले तो मैंने ये खुश होकर या खुशी को आप लोगों के सामने बांटने के लिए और आप लोगों के सामने रखने के लिए मैंने इतनी रात को जो शहर का वक्त है अभी आप लोगों के सामने आ गया, ताकि सुबह में अपलोड हो सके और सुबह में आप लोग देख सके और सुबह में आप लोगों को ये खुशी महसूस हो सके। क्योंकि हमारी गोदी मीडिया तो बताती नहीं, खैर गोदी मीडिया को देता कौन है, आती कहाँ से है न्यूज़। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, चाहे CNN के एंकर हों दो या किधर के भी हों दो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने को जो है सो अच्छी खबर कोई रहती है तो पहले अपने पास आ जाती है। तो ये एक चीज़ हो गई मस्जिद अक्सा का, मैंने बता दिया। जुम्मे के दिन इंशाल्लाह नमाज जुम्मा भी अदा होगी वहाँ पर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का करम है, लाख लाख मालिक का एहसान है। और जितने जो लोगों पर गोली जो चलाए थे वो सारे कैमरों के तरफ से, कैमरे की सीसी कैमरे की वजह से, ये सारे खबीस के बच्चे जो ढकले जो धक्के दिए वो सबको सस्पेंड भी कर दिया गया, उनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा भी चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और जो गुनहगार होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है, जो आप लोगों ने जो दुआएं जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान ताला इसलिए कामयाबी और कामरानी से आपके कदम चूम रहे हैं कामयाबी। ये बता दूं दूसरी चीज़, जिस तरीके से दिल्ली में हमारी एक मस्जिद के गेट को बुलडोज़र से तोड़ा गया, जबकि उसके बाद ये तो मस्जिद तो अंदर थी, उसके बावजूद वो मस्जिद के साथ मस्जिद के हिस्से में कुछ मलगे भी थे वो भी बुलडोजर से निकाल दिए गए। उसके बाद रोड को लगते हुए बाजू में टेंपल थी, टेंपल को धक्का भी नहीं लगा ना लगा ये लोग। कितने नजीस के औलादे हैं ये, कितने हरामी नस्ल के खबीस के बच्चे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। जो वीडियो थी वो वीडियो जा चुकी है वो लोगों के पास, उसके ऊपर भी बहस भी और उसके ऊपर कार्रवाई यही करने वाले हैं वो लोग, जो इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा। जो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, दुबई में रोडों पर निकल चुके हैं, कुवैत में रोडों पर निकल चुके हैं, वहाँ की पब्लिक वहाँ की शॉप एम्बेसियां उठाने की तक मांग कर रही है अपनी हुकूमत से अपनी सरकार से, ये चीज़ मैं बताया था। अभी वो फोटोज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जानकर हैरानी भी होगी। यहाँ तक के दुबई की बस आवाम और दुबई को अरब में मिसाल के तौर पे कतर है, कुवैत है, ये लोग तो जो है सो वहाँ के शेख को वहाँ पे जो राजा है राजा के पुतले तक भी जलाए भाई। ये बोलकर दूसरी वीडियो में बोलूंगा मैं आप लोगों को, अभी गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है जो आप लोगों को बाग बाग कर देगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अबू फजल के पास, चाहे अबू फजल धमाका हो, चाहे गल्फ अपडेट हो, चाहे गल्फ अपडेट हो या अबू फजल धमाका हो, खाली आप लोग ये अच्छी अच्छी खबरें सुनते रहेंगे, खुशियों के खबरें सुनते रहेंगे। अभी तक जो सुनते थे मायूसी के नहीं, जब इनके ऊपर काम हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा, आप लोग बराए रास देखेंगे, अल्लाह के हुक्म से बराए रास देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की खुशी में अबू फजल खुश है भाई, आप लोगों की खुशी में अबू फजल खुश है, और इससे बड़ी खुशी, इससे अच्छी खुशी हमको नहीं मिल सकती। और जो कार्रवाइयां ये लोगों के ऊपर कर रहे हैं अभी, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है 77 बिलियन डॉलर इनका टर्नओवर था साल का, वो खत्म हो चुका है। और कईयों ऐसे प्रोडक्ट है भारत के जो बिल्कुल बंद कर चुके हैं ये लोग, पाबंदी आयद कर चुके हैं, बैंड कर चुके हैं। दूसरी चीज, ये लोगों को पकड़ पकड़ के जो रमजान से पहले जो भेज रहे थे, रमजान का एक करीम एक रहीम एक बरकत वाला महीना है बोल के, ये लोगों को सांस लेने का मौका फराहम हुआ। अब जैसा ईद हो जाएगी उसके 2-3 दिन के बाद इनके ऊपर फिर वही कार्रवाई चालू हो जाएगी, वही पहाड़ टूटेंगे। और जो इन्वेस्टर के वीजे थे ये लोगों के बंद हो गए, कर्नाटक में जहाँ पे पासपोर्ट पे कर्नाटक लिखे हुआ है और गैर मुस्लिम है हिंदू है तो उसको वीजा बिल्कुल बंद कर दी गई। सब इसके जिम्मेदार ये लोग खुद है। अब ये लोग काम कर रहा है यार भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल
दुआओं में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, रोज़े रहिए, गरीबों की मदद करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।